वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल नो डाउट। ओडिशा कृषि अफिक्स रे नियुक्ति जोटा कि दशम ट्वेल्थ आउ ग्राजुएट पाला पलि आसे कि नो फी नो एग्जाम, एग्जाम भी हम नहीं किसी पैसा भी लगे तो किभली भाव में आवेदन कर संपूर्ण बरणी ये संपूर्ण भिडियो देखा। जो एज लिमिट रोचे 18 रु 50 वर्ष मध्य आ दरमा रो जा रहा 15,000 रु 31,000 मध्य तेनालीराम संपूर्ण बरणी जाणी पूर्व पाखे बेल आइकन दबे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिव पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दि तद्वारा ये नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसे तुमने सर्वप्रथम तुम निकट में भिडियोटी पहुँच पार। ओके, सो डे नक भिडियो को स्टार्ट करवा। जमीक आम ऑर्गेनाइजेशन रोचे जी कौ तरफ रोच परीक्षाटी कौ तरफ निजुक्ति ICAR NRI कटक तरफ होउची कौ माने करि परिबे अप्लाई करि परिबे एई एग्जाम निमन्ते। प्रथम कथा कौ माने अप्लाई करि परिबे ना ऑल ओडिशा बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ओडिशा रो समस्त छात्र छात्री माने आवेदन करि परिबे। दरमा केते ना 15,000 रु 31,000 भितर तुमरो दरमाटी रहइबो। जॉब टाइप कोन रहइबो ना गवर्नमेंट जॉब रहइबो गवर्नमेंट जॉब रहइबो। ओके, आसन जानवा समस्त डिटेल्स पोस्ट रो कौन कौन पोस्ट बाहर से कृषि विभाग रे कौन कौन सब पोस्ट बाहर डिटेल्स जानवा। जमीक प्रथमटा हूँ कौन फील्ड ऑपरेटर पोस्ट हूँ प्रथम फील्ड ऑपरेटर। द्वितीय हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर। द्वितीय हूँ कौन एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर। तृतीय जूनियर रिसर्च फेलो। चारे ग्रेजुएट असिस्टेंट। चारोटी पोस्ट रही जोटा कि प्रथमटा हूँ फील्ड ऑपरेटर, द्वितीय एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर, तृतीय जूनियर रिसर्च फेलो, चतुर्थ ग्रेजुएट असिस्टेंट। तो सैलरी केमती कौन रोज देखा जमीक फील्ड ऑपरेटर रही सैलरी हूँ 18,797 स्टार्टिंग। एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर हूँ 15,000। जूनियर रिसर्च फेलो रोच 31,000 आ ग्रेजुएट असिस्टेंट रोच 20,000। बाकी रहा आम एज लिमिट कौन कौन रोच एज लिमिट रण ना फील्ड ऑपरेटर रु 50। एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर रु 50। जूनियर रिसर्च फेलो जोटा कि मैक्सिमम मेल 30, मैक्सिमम फीमेल हूँ 35। ग्रेजुएट असिस्टेंट हूँ 21 रु 45 वर्ष मध्य तुम्हें अप्लाई कर पार। पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहा फॉर्म पकाया निवेदन करिया आमर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आम भर दरकार। तो प्रथम कौन ना प्रथम था फील्ड ऑपरेटर। फील्ड ऑपरेटर पर दरकार 10th पास दरकार जो थे कि वोकेशनल आवश्यक थी। ओके, प्लस टू जोटा वोकेशनल साइंस। दुई रे एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर 10th प्लस प्लस एक्सपीरियंस निहाते आवश्यक। तृतीय जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलो पर ग्रेजुएशन किंबा पीजी दरकार आ ग्रेजुएट असिस्टेंट पर बीएससी ग्रेजुएशन बीएससी रे जेकोन सी ऑनर्स से तुम्हें ग्रेजुएशन करथिबा दरकार ताल जाएगी फॉर्म आवेदन कर पार। नेक्स्ट जीवा आप्लिकेसन मोड कौन रहा आप्लिकेसन मोड रहा कौन ना ऑफलाइन आप्लिकेसन हम बुझे अप्लाई स्टार्ट समस्त डिफरेन्ट डिफरेन्ट डेट रही आगू गले मुझे सब डेट बतईदेवि कौ तारीख में तुम आवेदन होटरभ्यू कौटी हम ICAR NRI जो कटक अवस्थित से तुम कौन इंटरव्यू करा हो सब डिटेल्स तुमको आगू आगू देवी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर समस्ते भिडियो को लाइक कर दियो और भिडियो बहुमात्र सेयार कर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन दरकार डॉक्यूमेंट कौन आवश्यक ना प्रथम कथा हूँ फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन प्लस इंटरव्यू हम जो थे कि सेल्फ अटेस्टेड जेरक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थोड़ा ता सहित तुम जेरक्स कॉपी सब डॉक्यूमेंट नहीं थी। नेक्स्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पूरा वैलिड होता दरकार एक्टिव होता दरकार बुझे ना जो चलू थी मोबाइल नंबर आउ ईमेल आईडी। ऑल एजुकेशनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जितक सब एजुकेशनल मार्कशीट अच्छी सर्टिफिकेट अच्छे सब तक नहीं जाइए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तुम्हारा पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तुम कौन आवश्यक आउ गोटे आईडी प्रूफ दरकार जोटा कि आधार कार्ड हो पारे ना ड्राइविंग लाइसेंस ना वोटर कार्ड जेको गोटे नहीं जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा सिलेक्शन प्रोसेस हूँ एग्जाम ना तुम बास खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम इंटरव्यू हेल्ले तुम सिलेक्शन कर देख तर टोटाल संपूर्ण डिटेल्सटा है वाक इन इंटरव्यू तुमने ये वेबसाइट में जाए देखिपर मु तुम डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि तुमको जोड़ा देख नेम ऑफ द प्रोजेक्ट
नेम ऑफ द पोजीशन होची जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट होची कोन कम पाई दरकार ग्रेजुएट असिस्टेंट एग्रीकल्चर फील्ड रे ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ पोजीशन गोटिया अछि ग्रेजुएट पई दीटा एग्रीकल्चर पई चारटा यार दरमा होची 31000 यार होची 20000 आ होची 15000 ए सब कहि छी तुम्हारा जो डेट ऑफ इंटरव्यू रोचे 4/7/2023 8:30 AM यहाँ जो आम रोचे ग्रेजुएट पर रोच 5/7/2023 8:30 AM बाकी यहाँ जो एएफओ रोच एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर पर रोच 6/7/2023 8:30 AM रुम बुझे बाकी रहा तुम बायोडाटा केम नब ये तुम नेम ऑफ द पोस्ट लिख ईएपी नंबरटा मोस्ट इंपोर्टेंट ईएपी नंबर कौटे अच्छे ईएपी नंबरटा तुम ईएपी नंबर 369 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी ईएपी नंबर पकेइबो तुम ना लिख फादर का ना लिख डेट ऑफ बर्थ लिख कैटेगरी तुम लिख मेल कि फीमेल लिख मैरिटल स्टेटस लिख मेल आईडी दब प्रेजेंट पोस्टल आड्रेस दे दब तुम फोटोग्राफ गोटे लगे क्लीयर आउ तुम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन के रख ग्रेजुएशन के रख जहाँ भी तुम पाठ पढ़ी टोटल संपूर्ण कौन मार्क सहित कोर्स बोर्ड सब दब ओके एतिक तुमरो थिला डिटेल्स अबाउट ता भितरे आशा करू छ आपन मानु के वीडियो भल लागी थियो जदि आपन मानु को ई वीडियो भल लागी थियो निश्चित हो वीडियो को लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो मोस्टली संग मानु सो शेयर मध्ये करिनबो थैंक यू सो मच।